बरेली की IMA हॉल में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य नवीन जैन शामिल हुए। इस मौके पर नवीन जैन ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नाली खड़ंजे या सड़क के लिए नहीं है, देश का सम्मान बढ़ाने में अग्रसर रहने वाले प्रधानमंत्री की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव है। नवीन जैन ने कहा कि रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान जब भारतीय छात्र तिरंगा लेकर देश लौट रहे थे तो तोपों ने गरजना बंद कर दिया था। वहीं पाकिस्तानी छात्रों को जब उनके देश के नेताओं ने बचाने का प्रयास नहीं किया तो वे भी तिरंगा लेकर सकुशल वहां से निकल आए। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के विश्व में मजबूत स्थिति के कारण ही संभव हो पाया था। उन्होंने आगे कहा कि आज व्यापार सुरक्षित माहौल चाहता है। आज प्रदेश में व्यापार, महिला, किसान, छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल है, कहीं लूटपाट नहीं होती। वहीं लोकसभा क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा ने कहा कि कम मतदान होने की चर्चा पर ध्यान नहीं देना है, हमें मजबूर नहीं मजबूत सरकार चुनने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावा सम्मेलन में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने भी व्यापारियों को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र प्रभारी देवेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, व्यापारी नेता विशाल मल्होत्रा, राजेंद्र गुप्ता, सर्वेश रस्तोगी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। जो चुनाव है वो देश का चुनाव है और इस देश के चुनाव को मैं प्रधानमंत्री मजबूत देने का चुनाव है और उसके लिए 7 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जिससे हमारे यहाँ से बरेली के लोकसभा के प्रत्याशी छत्रपाल सिंह जी भारी मतों से जीते हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए बरेली की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और उस समय से आशीर्वाद दिया है जब भारतीय जनता पार्टी 4-5 जिलों में ही आया करती थी, तब से भारतीय जनता पार्टी बरेली में हमेशा जीतती रही है और इस बार भी मुझे उम्मीद है जिस प्रकार का जोर और वातावरण बरेली के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा वातावरण मिला है और मुझे लगता है कि 2 लाख से अधिक वोटों से छत्रपाल सिंह जी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे।